हेलो एवरीवन, आप इस वीडियो में लॉजिक गेट्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अ गेट इज अ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। गेट क्या है? एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच ऑपरेट्स ऑन वन और मोर इनपुट सिग्नल्स टू प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल, जो एक या एक से ज़्यादा इनपुट सिग्नल पर वर्क करता है और एक सिंगल आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करता है, राइट? तो यहाँ पे जो इनपुट सिग्नल्स है वो कौन से सिग्नल्स है? वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं। जब आप किसी भी की को प्रेस करते हो तो वो क्या प्रोड्यूस करती है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्रोड्यूस करती है जो पास होता है थ्रू द वायर, राइट? और यही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स बाइनरी लैंग्वेज को क्रिएट करते हैं। ओके, गेट्स आर ऑफन कॉल्ड लॉजिक सर्किट्स। गेट्स को लॉजिक सर्किट्स भी कहा जाता है बिकॉज दे कैन बी एनालाइज विद बूलियन लॉजिक। क्यों? क्योंकि इनको बूलियन लॉजिक की हेल्प से एनालाइज किया जाता है, राइट? अब देखो, आप क्या करते हो, जब आप कोई भी की प्रेस करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा पास होता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक किस फॉर्म में होती है? जीरो एंड वन की फॉर्म में होती है, राइट? बाइनरी फॉर्म में होती है। इसके अंदर डेटा की दो ही स्टेट होती है, या तो जीरो होगी या फिर वन होगी, राइट? तो जब बाइनरी स्टेट में आपका डेटा होता है तो उसको एनालाइज करने के लिए बूलियन लॉजिक यूज़ किया जाता है, फाइन? इसलिए गेट्स को लॉजिक सर्किट्स भी कहा जाता है। देयर आर थ्री फंडामेंटल लॉजिक गेट्स विच आर एज फॉलो। जो थ्री फंडामेंटल लॉजिक गेट्स हैं वो हैं हमारे पास नॉट गेट, नॉट गेट को इन्वर्टर गेट भी कहा जाता है, एंड गेट, एंड और गेट, राइट? तो पहले हम थ्री फंडामेंटल लॉजिक गेट्स देखेंगे, फिर हम ड्राइव्ड लॉजिक गेट्स देखेंगे जो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ओके, फर्स्ट वी हैव नॉट गेट। नॉट गेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वर्टर गेट। नॉट गेट को इन्वर्टर गेट भी कहा जाता है। एन इन्वर्टर गेट और नॉट गेट इज अ गेट विच टेक्स ओनली वन इनपुट सिग्नल एंड प्रोड्यूसेस वन आउटपुट सिग्नल। तो नॉट गेट वो डिवाइस है जो एक इनपुट सिग्नल को रिसीव करता है और एक ही इनपुट सिग्नल वो प्रोड्यूस करता है, राइट? द आउटपुट स्टेट इज ऑलवेज द अपोजिट ऑफ द इनपुट स्टेट। तो जो आउटपुट आता है वो हमेशा इनपुट का अपोजिट होता है when you are using the NOT gate. Its output is also called as complement or opposite of the input, right? तो NOT gate के output को complement भी कहा जाता है, क्योंकि वो input का हमेशा opposite होता है। अब यहाँ पे हम truth table की बात करेंगे, तो देखो एक ही input हमेशा use होता है, तो 2 raise to power कितने combination बनेंगे? 2 raise to power 1, input आपका 1 है, तो यहाँ पे आप दो ही combination लोगे, तो हमारे दो combination में आ गया 0 and 1, राइट? ट्रूथ टेबल आप बनाएंगे नॉट गेट की, एक्स है आपका इनपुट एंड ये एक्स बार आपका क्या है? आउटपुट, राइट? और यहाँ पे जो आउटपुट है उसको आप क्या बोलोगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट। ओके, अगर आपका इनपुट सिग्नल जीरो है, राइट, तो आपका आउटपुट क्या होगा? उसका रिवर्स हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा, वन। अगर आपका इनपुट वन है तो आपका आउटपुट आएगा जीरो, राइट? और नेट आपका नॉट गेट का सिंबल क्या है? आपका नॉट गेट का सिंबल ऐसे बनता है, राइट? दिस इज योर नॉट गेट सिंबल। ओके, तो एक्स इज योर इनपुट, राइट? एक्स आपका इनपुट है एंड एक्स बार आपका क्या है? आउटपुट है। तो अगर आपकी एक्स की वैल्यू जीरो है, अगर आपकी एक्स की वैल्यू जीरो है तो आउटपुट आएगा आपका वन, एंड अगर आपकी एक्स की वैल्यू वन है तो आपका आउटपुट आएगा जीरो, बिकॉज नॉट गेट क्या करता है? इनपुट वैल्यू को अपोजिट कर देता है, उसको रिवर्स कर देता है, उसको कॉम्प्लीमेंट कर देता है, फाइन? ओके, नेक्स्ट वी हैव और गेट। द और गेट टेक्स टू और मोर इनपुट सिग्नल्स एंड प्रोड्यूसेस ओनली वन आउटपुट सिग्नल। और गेट दो या दो से ज़्यादा इनपुट सिग्नल्स को रिसीव करता है और एक आउटपुट सिग्नल को प्रोड्यूस करता है। इट्स आउटपुट इज लॉजिकल सम ऑफ पास्ट इनपुट्स। इसका जो आउटपुट होता है वो इनपुट का लॉजिकल सम होता है। ओके, इफ एनी ऑफ द इनपुट सिग्नल इज वन, द आउटपुट सिग्नल इज वन। अगर कोई भी इनपुट सिग्नल वन है, हाई है, तो आउटपुट सिग्नल वन होगा। ओके, इफ ऑल इनपुट्स आर जीरो देन आउटपुट इज ऑल्सो जीरो। अगर जितने भी इनपुट्स आप दे रहे हो, टू या थ्री या फोर, वो सारे जीरो हैं तो आउटपुट सिग्नल जीरो होगा, राइट? इफ ऑल द इनपुट्स आर वन, अगर आपने जितने भी इनपुट्स दिए हैं वो सारे वन हैं तो भी आउटपुट क्या होगा? वन। तो इसका लॉजिक क्या है? अगर एक भी आपने जो इनपुट सिग्नल दिया है वो वन है तो आपका जो आउटपुट आएगा वो वन ही आएगा, राइट? जीरो कब आएगा? जब सारे के सारे इनपुट सिग्नल जीरो होंगे तब आपका जीरो आएगा। अदरवाइज आपका कोई भी केस हो, चाहे आपने वन वन इनपुट सिग्नल दिए हैं तब भी वन आएगा, आपने जीरो वन इनपुट सिग्नल दिया है तब भी वन आएगा। जीरो कौन से केस में आएगा? जब जितने भी इनपुट सिग्नल्स हैं वो सारे जीरो हैं तभी आपका जीरो आउटपुट आएगा, राइट?
ओके अब यहाँ पे हम देखते हैं टू टेबल ऑफ टू इनपुट और गेट, राइट। अगर आप और गेट में दो इनपुट दे रहे हो तो रिजल्ट क्या होगा, उसके ट्रुथ टेबल हम देखते हैं मान लो। ओके यहाँ पर तो यहाँ पे आपका टू इनपुट है तो आपके नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, टू रेस टू पार टू, फोर कॉम्बिनेशंस होंगे, फोर कॉम्बिनेशंस होंगे, फोर रोज आएंगे आपके ट्रुथ टेबल में। ओके तो यहाँ पे जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम है उसमें हम फोर जो आपका डेटा है, राइट, ओके इनपुट है जो आपका, उसको आप डिवाइड करोगे टू जीरोस में एंड टू वन में, राइट। नेक्स्ट जो आपका कॉलम है उसमें आप क्या कर दोगे, फर्स्ट वाले का हाफ कर दोगे, फर्स्ट आपका जीरो आ गया, देन वन आ गया, फिर आपका जीरो आ गया, देन वन आ गया। ओके अब देखो इन दोनों में आप एक्स एंड वाई की जो वैल्यूज़ है, जो आपकी ये दोनों क्या है, इनपुट वैल्यूज़ हैं। ओके ये आपकी इनपुट वैल्यूज़ हैं, आपने ये दोनों वैल्यूज़ कहाँ अप्लाई की हैं, और गेट में अप्लाई की हैं, ये आपका और गेट का सिंबल है, आपने और गेट में एक्स एंड वाई इनपुट्स दिए हैं, राइट। तो एक्स एंड वाई इनपुट्स दिए हैं तो अब यहाँ पे क्या होगा, इनका लॉजिकल सम होगा, राइट, ज़ीरो प्लस ज़ीरो, आपका रिजल्ट क्या आया, ज़ीरो। जब दोनों इनपुट ज़ीरो हैं तो आपका आउटपुट क्या आएगा, आपका आउटपुट आएगा ज़ीरो। ओके अब यहाँ पे देखो ज़ीरो वन वन, वन ज़ीरो वन, वन वन वन, राइट। अगर आपका एक भी इनपुट वन है तो आपका रिजल्ट क्या है, वन है, राइट। ये आपका सिंबल है, ये आपका ट्रुथ टेबल हो गया टू इनपुट और गेट का, और ये आपका सिंबल हो गया टू इनपुट और गेट का। ओके नाउ अब देखते हैं हम ट्रुथ टेबल ऑफ थ्री इनपुट और गेट। अगर आपके पास इनपुट क्या है, थ्री है, एक्स वाई एंड जी, आपके पास थ्री इनपुट्स वैल्यूज हैं। ओके ये आपका एक्स वाई एंड जी, तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे थ्री इनपुट के लिए, टू रेस टू पावर थ्री, ओके टू इंटू टू, तो कितने होंगे आपके पास, एट कॉम्बिनेशंस होंगे, राइट। एट कॉम्बिनेशंस होंगे तो आप जो आपका लेफ्ट मोस्ट कॉलम है उसमें आप ट्रुथ टेबल कैसे क्रिएट करोगे, आप डिवाइड करोगे, फोर आपके पास जीरोस होंगे एंड फोर आपके पास वन होंगे। ओके इसके जो नेक्स्ट वाला कॉलम होगा उसके अंदर इसका हाफ हो जाएगा, तो टू ज़ीरो टू वन, देन टू ज़ीरो एंड टू वन, राइट। उसके नेक्स्ट में क्या होगा, फिर हाफ हो जाएगा, तो वन ज़ीरो वन, फिर वन जीरो, फिर वन, ऐसे लाइक दिस। ओके अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को जो आपका रिजल्ट है उसको कंबाइन करेंगे। देखो जीरो 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 क्या होगा, कॉम्बिनेशन जीरो। अब जीरो जीरो वन, एक भी अगर वन आता है तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, वन, ठीक है। जीरो वन जीरो वन, जीरो वन वन वन, वन जीरो जीरो वन, ओके वन जीरो वन वन, ओके वन वन जीरो वन, वन 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 वन, ओके आपका जीरो कब आएगा, जब जितने भी इनपुट्स आपने दिए हैं वो सारे जीरो हैं तभी आपका जीरो आएगा, अदरवाइज अगर एक भी आपका इनपुट वन है तो आपका रिजल्ट वन ही आएगा, फाइन। तो यहाँ पे आपका ट्रुथ टेबल हो गया थ्री इनपुट और गेट का, और ये सिंबल हो गया, आपने एक्स वाई जी तीन इनपुट दिए और आपका ये रिजल्ट आ गया, राइट। ओके सो दिस इज द सिंबल फॉर थ्री इनपुट और गेट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एंड गेट। The AND gate takes two or more than two input signals and produces one output signal. AND gate दो या दो से ज़्यादा input signals को receive करता है और एक output signal produce करता है, okay? Its output is logical multiplication of past inputs. जो output होता है वो inputs का logical multiplication होता है, okay? When all the inputs are one, then the output then the output is one, otherwise output is zero only. अगर सारे input one हैं तभी आपका output one आएगा, नहीं तो zero आएगा, तभी तो इसको logical multiplication कहा जाता है। देखो if any of the input is zero, the output is zero. अगर कोई भी एक input भी आपका zero है तो output zero आएगा, क्योंकि multiply क्या करोगे, अगर आप किसी भी value को zero से multiply करोगे तो क्या आएगा, zero ही आएगा, इसीलिए इसको logical क्या कहा जाता है, multiplication कहा जाता है, fine। तो आपका one result कब आएगा, जब सारे इनपुट वन होंगे, अदरवाइज कोई भी कंडीशन हुई उसमें क्या आएगा, जीरो ही रिजल्ट आएगा। ओके टू ऑब्टेन आउटपुट एज वन ऑल द इनपुट्स मस्ट बी वन, अगर आपको आउटपुट एज वन चाहिए तो सारे इनपुट्स वन होने चाहिए। ओके अब यहाँ पे देखो ट्रुथ टेबल ऑफ टू इनपुट एंड गेट, एंड गेट की ट्रुथ टेबल हम यहाँ देखेंगे जीरो जीरो। ओके ये टू इनपुट्स की है, टू इनपुट्स की है, कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, टू रेस टू पार टू, फोर कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे, आपने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, पहले आपके दो जीरो आ गए, देन आपके दो वन आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलम में इसका आपने क्या करना है, हाफ करना है, जीरो वन जीरो वन। ओके अब फर्स्ट कॉम्बिनेशन देखो, आपके दो इनपुट है ए एंड बी, ठीक है, जीरो जीरो आपका क्या हो गया, जीरो जीरो वन जीरो, वन जीरो जीरो, क्योंकि ये क्या है, लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन है, फाइन। वन कब आएगा, जब दोनों के दोनों इनपुट क्या होंगे, आपके वन होंगे, तब आपका वन आएगा,
राइट, सिंबल आपका टू इनपुट एंड गेट का ये है, आपने दो इनपुट दिए ए एंड बी एंड दिस इज योर लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन. फाइन, ओके. अब हम देख लेते हैं थ्री इनपुट एंड गेट. राइट, थ्री इनपुट एंड गेट में 2 raised to power 3 तो कॉम्बिनेशन आपके 8 बनेंगे. ओके, 8 कॉम्बिनेशन के ट्रुथ टेबल आप कैसे बनाओगे? आप जीरोस एंड 1 को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, तो आपके 4 0 पहले आ गए, देन आपके 4 1 आ गए. ठीक है, 4 0s आ गए, 4 1 आ गए. अब नेक्स्ट कॉलम में आप क्या करोगे? फर्स्ट का हाफ कर दोगे, 2 0 2 1, अगेन 2 0 एंड 2 1. फिर उससे नेक्स्ट में आप क्या करोगे? इसका हाफ कर दोगे इससे पहले वाले का, तो इसका क्या हो गया? 0 1 0 1, लाइक दिस. अब हम कॉम्बिनेशन करेंगे. जो आपका फर्स्ट कॉम्बिनेशन है वो क्या है? 0 0 0, तो आपका आ गया 0. अब देखो सेकंड में 0 0 1 0, थर्ड में 0 1 0 0, क्योंकि एक भी इनपुट अगर 0 है तो ये क्या लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन है, तो इसमें क्या आ जाएगा? रिजल्ट 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाईज हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही वैल्यूज एक दूसरे से. ठीक है, 1 1 0, ठीक है, 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0. 1 कब आएगा? जब तीनों के तीनों इनपुट क्या है? 1 है, तब आपका 1 आया है. ओके, सो दिस इज द सिंबल फॉर थ्री इनपुट एंड गेट. ये आपका थ्री इनपुट एंड गेट का सिंबल है. ये सिंबल्स आपको याद रखने कि किसकी शेप क्या है, राइट, क्योंकि एग्जाम में बनाने के लिए आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा गेट लगाया गया, एंड गेट लगाया गया है या और गेट लगाया गया, लाइक दिस. ओके, Now we have some other logic gates. There are some more logic gates also which are derived from three basic gates. तो कुछ और logic gates भी हैं जो तीन basic gates से मिलकर बने हैं, तीन basic gates के combination से बने हैं. और basic gates आपके कौन से हैं? AND, OR and NOT. ओके, तो जो इनके combination से gates बनते हैं वो क्या हैं? NOR, NAND, XOR, XNOR गेट्स एक्सेट्रा, राइट. तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे 1 by 1. सबसे पहले है आपके पास NOR गेट. NOR गेट मीन्स नॉट और गेट. NOR गेट क्या है? नॉट और गेट. ये दो गेट्स के कॉम्बिनेशन से बना है, नॉट एंड और गेट के कॉम्बिनेशन से बना है आपका NOR गेट. इन अ NOR गेट एन OR गेट इज इन्वर्टेड थ्रू अ NOT गेट. ठीक है, NOR गेट में क्या होता है? OR गेट को इन्वर्ट किया जाता है, उल्टा कर दिया जाता है. किसकी हेल्प से? NOT गेट की हेल्प से. तो OR गेट के रिजल्ट को इन्वर्ट किया जाता है, रिवर्स किया जाता है विद द हेल्प ऑफ NOT गेट. ओके, तो NOR गेट क्या है? दो गेट्स का कॉम्बिनेशन है ये, OR एंड NOT गेट का कॉम्बिनेशन है. इसके अंदर OR गेट के रिजल्ट को NOT गेट की हेल्प से रिवर्स कर दिया जाता है, उल्टा कर दिया जाता है, इन्वर्ट कर दिया जाता है. ओके, एन OR गेट फॉलोड बाय अ NOT गेट मेक्स अ NOR गेट. ओके, OR गेट को जब NOT गेट फॉलो करता है तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या क्रिएट करता है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन NOR गेट क्रिएट करता है. द बेसिक लॉजिक कंस्ट्रक्शन ऑफ NOR गेट इज शोन बिलो. ठीक है, तो ये हमारा OR गेट है. ओके, टू इनपुट OR गेट है, ए एंड बी आपके इनपुट हैं, तो ए प्लस बी ये आपका कॉम्बिनेशन रिजल्ट आएगा. ठीक है, फिर आपने क्या किया? NOT गेट को लगा दिया, तो ये रिजल्ट इन्वर्ट हो गया, ए प्लस बी बार आ गया. तो यहाँ पे जो अगर मान लो रिजल्ट 0 आया है तो 1 हो जाएगा, 1 आया है तो 0 हो जाएगा. ठीक है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके क्या बन जाता है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है NOR गेट. और आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे. ठीक है, ओके, NOR गेट मींस नॉट एन OR गेट. NOR गेट क्या होता है? OR गेट, नॉट एन OR गेट. ठीक है, विच मीन्स आउटपुट ऑफ दिस गेट इज जस्ट रिवर्स ऑफ OR गेट. ये मैंने आपको बता दिया कि NOR गेट में क्या होता है कि OR गेट का जो आउटपुट होता है उसका रिवर्स हो जाता है. ओके, वी नो डैट आउटपुट ऑफ एन OR गेट इज जीरो ओनली वेन ऑल द इनपुट्स ऑफ OR गेट इज जीरो. और हमें पता है कि OR गेट में आउटपुट जीरो कब होता है? जब जितने भी इनपुट वैल्यूज आप दे रहे हैं सारे जीरो हैं, तभी रिजल्ट जीरो आएगा. अगर एक भी वन है तो रिजल्ट वन आएगा. बट इन केस ऑफ NOR गेट, अब NOR गेट क्या है? OR का रिवर्स है, OR का उल्टा है, तो क्या होगा? इन केस ऑफ NOR गेट द आउटपुट इज वन ओनली वेन ऑल द इनपुट्स आर जीरो. तो आउटपुट वन तभी होगा जब जितने भी इनपुट्स आप दे रहे हैं वो जीरो होंगे, अदरवाइज आपका आउटपुट क्या होगा? जीरो होगा. ठीक है, ये बहुत सिंपल है. आप क्या करो, OR गेट बनाओ, उसका रिजल्ट देखो, और उसके रिजल्ट को और आप क्या कर दो? उल्टा कर दो, अपोजिट कर दो, तो किसका रिजल्ट आ जाएगा? NOR गेट का. अभी एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगी. इन ऑल अदर केसेस दैट इज फॉर ऑल अदर कॉम्बिनेशन इनपुट ऑफ इनपुट्स द आउटपुट इज जीरो. NOR के केस में अगर क्या है आपका, NOR के केस में वन आउटपुट कब आता है? जब आपका इनपुट वन है, जितने भी इनपुट आप दे, सॉरी, NOR के केस में आपका आउटपुट वन कब आता है? जब आपके जितने भी इनपुट्स हैं वो जीरो हैं. ओके, और उस अगर इनपुट का और कोई कॉम्बिनेशन है तो आपका आउटपुट हमेशा जीरो आएगा. ठीक है, अब इसको आप टेबल की हेल्प से समझो. आपके का ये है टू इनपुट NOR गेट है.
ओके तो यहाँ पे आपके पास दो इनपुट है ए एंड बी, फोर कॉम्बिनेशंस बने हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, इन दोनों पे और गेट अप्लाई किया, तो 0+0 आपका 0 आ गया, बाकी कॉम्बिनेशन में 0-1 में 1, देन 1, देन 1, ठीक है। ये आपने सबसे पहले इसके ऊपर और गेट अप्लाई किया। अब और गेट के रिजल्ट को आपको इन्वर्ट करना है, ये बन जाएगा आपका नॉर गेट, नॉर गेट का रिजल्ट, ठीक है। तो आपने इसको इन्वर्ट किया तो 0 का क्या हो गया, 1, ठीक है। तो अगर आपके पास इनपुट जितने भी हैं वो 0 हैं तो आपका रिजल्ट 1 है, अदरवाइज कोई भी कॉम्बिनेशन है तो आपका रिजल्ट क्या है, 0 0 0। तो सिंपल क्या करना है, और गेट का रिजल्ट आया उसको इन्वर्ट करना है, तो 0 की प्लेस पे 1 आ गया, 1 0 1 0 1 0, उसका उल्टा हो गया, ठीक है। ओके समझ आया। और आप अगर यहाँ पे, तो मैंने आपको समझाने के लिए ये वाला कॉलम ज्वाइन किया, नहीं तो आप सीधा का सीधा आप इसको ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे तो ये क्या होगा, अगर आपके दोनों इनपुट 0 हैं तो ही रिजल्ट 1 आएगा, अदरवाइज कोई भी कॉम्बिनेशन हो, 1 1 का कॉम्बिनेशन हो, 1 0 का कॉम्बिनेशन हो, 0 1 का कॉम्बिनेशन हो, आपका रिजल्ट 0 आएगा। लेकिन ये ट्रुथ टेबल आपको याद ना हो, अगर इजिली याद ना हो तो इसको समझने का बहुत ही आसान तरीका है, पहले दोनों का क्या करना है, आपको आपको और गेट का रिजल्ट निकालना है और उसके बाद उस रिजल्ट को आपको इन्वर्ट कर देना है, नॉट कर देना है, नॉट करना है, ठीक है। तो नॉट में क्या होगा, वो रिवर्स हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, राइट। सिंबल आपका ये है, पहले आपका और गेट है उसमें आपने नॉट गेट को ऐड किया है, तो ये आपका नॉर गेट का सिंबल आ गया, ओके। अब देखो आपके पास 3 इनपुट नॉर गेट है, तो आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, 3 इनपुट हैं यहाँ पे हमारे पास। फर्स्ट आप क्या करोगे, इनका आप निकाल लोगे और, ठीक है, फिर आप उसका क्या कर दोगे, आप उसका कर दोगे नॉट, फाइन। तो हमने पहले इसका और निकाला, अगर सारे 0 हैं तो आपके पास 0 आ गया, कोई भी कॉम्बिनेशन है उसके अगर और के केस में क्या होगा, तो 1 आता है, तो आपके सारे 1 आ गए यहाँ पर, ठीक है। अब हमें सिंपली क्या करना है, इसका रिवर्स करना है, 0 था तो उसका 1 हो गया, बाकी जो 1 था उसका आपने 0 कर दिया, ठीक है। ये आपका किसका रिजल्ट है, ये आपका नॉर का रिजल्ट है, आपने जो और आपका और का रिजल्ट आया था उसको आपने नॉट कर दिया, नॉट कर दिया, नॉट क्या होता है, इन्वर्ट कर देता है रिजल्ट को, ओके। तो ये आपका क्या बन गया, नॉर, दिस हैज़ बिकम नॉर नाउ, फाइन। बहुत ईजी तरीका है समझने का, ठीक है। सिंबल आपका ये है, आपने एक्स वाई जी आपने 3 इनपुट दिए और ये आपके पास आउटपुट आ गया है, ओके। नेक्स्ट वी हैव नैंड गेट। नैंड गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड नॉट गेट। नैंड गेट किसका कॉम्बिनेशन है, एंड गेट का और नॉट गेट का, ओके। दे आर कनेक्टेड इन कैस्केड फॉर्म, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेगेटेड एंड गेट। नैंड गेट को नेगेटेड एंड गेट भी कहा जाता है या इन्वर्टेड एंड गेट भी कहा जाता है। ये किसका कॉम्बिनेशन है, सिंबल यहाँ पे देखो आप, सिंबल में आपका एंड गेट प्लस नॉट गेट मिलके बना आपका नैंड गेट, राइट, ओके। अब देखो इसके ट्रुथ टेबल देखेंगे, अगर हम 2 इनपुट आपकी ट्रुथ टेबल है, आपके पास 2 इनपुट्स हैं ए एंड बी, तो सबसे पहले आप क्या अप्लाई करोगे, आप एंड गेट को अप्लाई करोगे। एंड गेट को आपने अप्लाई किया तो एंड गेट क्या होता है, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। 0 कहीं आपका 1 कब आएगा, जब दोनों इनपुट 1 है, अदरवाइज आपका 0 आएगा। तो आपने क्या किया, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 एंड 1 1 1, ओके। अब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, नॉट इसके रिजल्ट को क्या कर देगा, इन्वर्ट कर देगा, नॉट इसके रिजल्ट को इन्वर्ट कर देगा। तो आपका क्या हुआ, 0 बन गया 1 0 बन गया 1 1 एंड देन 0, ऐसे हो गया। तो यहाँ पे देखो, द नैंड गेट प्रोवाइड 0, नैंड गेट में 0 आता है कब, ओनली वैन देयर ऑल इनपुट्स आर 1, अगर सारे के सारे इनपुट 1 हैं तब आपका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, अदरवाइज फॉर एनी अदर इनपुट कॉम्बिनेशन इस प्रोड्यूसेस 1 आउटपुट, नहीं तो किसी भी अदर कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप क्या करना है, इनपुट्स को इनपुट्स के ऊपर आपको अप्लाई करना है एंड गेट, और उस एंड गेट पे आपको अप्लाई करना है नॉट गेट, मतलब आपको एंड गेट के रिजल्ट को उल्टा कर देना है, इन्वर्ट कर देना है, ठीक है, ओके। तो ये आपका सिंबल है, एंड प्लस नॉट आपका क्या बन गया, ये यहाँ पे नैंड गेट, राइट। अब हमारे पास क्या है, 3 इनपुट नैंड गेट, यहाँ पे आपके पास ट्रुथ टेबल है 3 इनपुट नैंड गेट की। तो आपने क्या किया, जो भी आपके पास रिजल्ट था, तो आपके 8 कॉम्बिनेशंस बने, ट्रुथ टेबल आपको बनानी मैंने सिखा रखी है, ठीक है। आपने 4 0 लिए, 4 1 लिए, फिर उसके हाफ लेंगे 0 0 1 1, फिर उसके हाफ नेक्स्ट कॉलम में लेंगे 0 1 0 1, लाइक दिस। अब इनका देखो कॉम्बिनेशन देखो, सबसे पहले आपने एंड गेट अप्लाई किया, एंड गेट में आपका रिजल्ट 1 कब आता है, जब सारे के सारे इनपुट 1 होते हैं, अदरवाइज कोई भी कॉम्बिनेशन होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। आपने
आपने एंड गेट अप्लाई कर दिया, अब एंड गेट के ऊपर आपने क्या करना है, नॉट गेट को अप्लाई करना है, तो जो एंड गेट के रिजल्ट को इन्वर्ट कर देगा, उल्टा कर देगा, तो जहाँ जहाँ जीरो है वहाँ 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 वन आ जाएगा आपका, और जहाँ पे वन है वहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो ये किसका रिजल्ट आ गया आपका, नैंड गेट का रिजल्ट आ गया, ठीक है, नॉट एन एंड गेट, ठीक है, ये नैंड गेट का रिजल्ट आ गया। ओके, सिंबल क्या है, यहाँ आपने थ्री इनपुट्स अप्लाई किए, एन वाई इज योर इनपुट, ओके, सॉरी वाई इज योर आउटपुट सिग्नल, फाइन। नेक्स्ट वी हैव XOR गेट और एक्सक्लूसिव OR गेट। ओके, द XOR गेट कैन हैव टू और मोर इनपुट्स बट प्रोड्यूसेस वन आउटपुट सिग्नल। तो XOR गेट दो या दो से ज़्यादा इनपुट को रिसीव करता है और वन आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ओके, एक्सक्लूसिव OR गेट इज डिफरेंट फ्रॉम OR गेट। ओके, तो XOR गेट को आप एक्सक्लूसिव OR गेट भी कह सकते हो, एक्सक्लूसिव OR गेट OR गेट से डिफरेंट है। ओके, OR गेट प्रोड्यूसेस आउटपुट वन फॉर एनी इनपुट कॉम्बिनेशन हैविंग वन और मोर देन वन, ठीक है। तो OR गेट के केस में क्या होता है, अगर एक भी इनपुट वन है तो आपका रिजल्ट क्या आ जाता है, वन आ जाता है, राइट। बट XOR गेट प्रोड्यूसेस आउटपुट वन फॉर ओनली दोज इनपुट कॉम्बिनेशन दैट हैव ऑड नंबर ऑफ वंस। लेकिन XOR के केस में आपका इनपुट वन तभी आएगा जब इनपुट जो आपने वैल्यूज दी हैं उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, ऑड नंबर ऑफ, उसके अंदर ऑड नंबर ऑफ वन होंगे, जैसे कि उसमें एक वन हो गया या उसमें थ्री वन हो गए या उसमें फाइव वन हो गए, राइट, तब आउटपुट वन आएगा। जैसे हम इस जो आपका टू इनपुट XOR गेट दिया गया है, फाइन, इसमें वन कब आया, जब आपका क्या है, जीरो वन है, तो एक एक वन है यहाँ पर, देन अगेन जीरो वन, तो यहाँ पे वन आया है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि XOR गेट वन आउटपुट कब प्रोड्यूस करता है, जब जो इनपुट सिग्नल्स हैं, ओके, वो क्या है, उसमें ऑड नंबर ऑफ वंस होते हैं, राइट, और वी कैन से द आउटपुट इज वन इफ द इनपुट्स आर डिफरेंट। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आउटपुट वन कब आएगा, जब आपके इनपुट क्या है, डिफरेंट है, जैसे यहाँ पे ए क्या है, जीरो, और दूसरा इनपुट क्या है, वन, तो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इसका आउटपुट क्या आया, वन। ओके, सेम यहाँ पे ए है वन और बी है जीरो, तो आपका इनपुट आया वन, राइट, ओके, बट जीरो, लेकिन आउटपुट जीरो कब आएगा, इफ़ द इनपुट्स आर सेम, अगर इनपुट्स जो हैं दिए गए हैं वो सेम हैं, तब आपका जो आउटपुट है वो जीरो आएगा। जैसे आप देखो, फर्स्ट में ए भी जीरो है और बी भी जीरो है, तो आपका रिजल्ट क्या आया, जीरो। ऐसे ही लास्ट वाला देखो, ए वन है और बी भी वन है, दोनों इनपुट सेम है, तो आपका रिजल्ट आया जीरो। ओके, तो समझ आया, XOR में वन कब आएगा, जब ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे इनपुट के अंदर, जैसे यहाँ पे ऑड नंबर, आप मैंने आपको बताया, जैसे वन हो गया, थ्री हो गया, फाइव हो गया, राइट, तो यहाँ पे आपका वन आ गया। और जीरो कब आएगा, जब जितने भी इनपुट आप दे रहे हो वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, राइट, तो जब आपने इनपुट सेम दिया तब आपका जीरो आया। ओके, अब देखो, इन बूलियन अलजेब्रा दिस साइन स्टैंड फॉर द XOR ऑपरेशन। तो XOR ऑपरेशन के लिए ये साइन का यूज होता है, दस ए XOR बी कैन बी रिटन एज दिस। ओके, एंड यहाँ पे देखो, टू इनपुट XOR गेट का आपको सिंबल दिया है, ये थोड़ा बहुत OR गेट से मिलता जुलता, लेकिन यहाँ पे देखो ये एक चीज़ एक्स्ट्रा है, राइट, एंड इसका सिंबल क्या है, डिफरेंट है। ओके, एंड दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ द XOR गेट। ओके, टू इनपुट XOR गेट की ये ट्रुथ टेबल है, राइट। अब हम देखते हैं थ्री इनपुट XOR गेट, राइट। अब देखो, जब आपके क्या हैं, आपका जो आपने इनपुट दिया है वो सेम है, सेम है, तो आपका क्या आ गया, जीरो आ गया, फाइन। और यहाँ पे अगर आपका ऑड नंबर ऑफ वंस हैं, तो यहाँ पे एक वन है तो वन आ गया, देन एक वन है तो वन आ गया, यहाँ पे देखो दो वन है तो इवन नंबर ऑफ वन है, तो यहाँ पे जीरो आया है। ओके, देन ऑड नंबर ऑफ वन, वन आ गया, अब यहाँ पे देखो दो वन है तो यहाँ पे क्या आ गया, जीरो आ गया, क्योंकि इवन नंबर ऑफ वंस है, यहाँ पे भी इवन नंबर ऑफ वंस है, तो यहाँ पे जीरो आ गया, फाइन। ओके, अब देखो यहाँ पे आपका इनपुट आया है वन, फाइन, इनपुट वन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे देखो ये तो सेम है, आउटपुट तो सेम, सॉरी आपके इनपुट तो सेम है, लेकिन इनपुट क्या है, ऑड नंबर ऑफ वंस है इसके अंदर, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ वंस है, थ्री वन है, थ्री वन है, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, वन, राइट। ओके, वन, अगर आप मान लो आपका एक वन है या तीन वन है या आपके पांच वन है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस केस में आपका रिजल्ट क्या आएगा, वन। अब यहाँ पे देखो, सिंबल दिया गया है थ्री इनपुट XOR गेट का, दिस इज थ्री इनपुट XOR गेट सिंबल, सिंपल। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका XNOR गेट, और यू कैन से एक्सक्लूसिव NOR गेट,
ठीक है, एक्स नॉर गेट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू एन इन्वर्टेड एक्स ऑर गेट। जब आप एक्स ऑर गेट को इन्वर्ट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक्स नॉर गेट। फाइन, एक्स ऑर गेट फॉलोड बाय अ नॉट गेट, राइट। तो इसको इन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स ऑर गेट के साथ आप लगा दोगे नॉट गेट। फाइन, एक्स ऑर गेट के साथ आपने नॉट गेट को कंबाइन कर दिया, ओके। तो आपका क्या बन गया, आपका बन गया एक्सक्लूसिव नॉर गेट, और यू कैन से एक्स नॉर गेट, ओके। दिस इज योर एक्स नॉर गेट सिंबल, हम आपको याद रखने हैं, एग्जाम में आ सकते हैं बनाने के लिए, ओके। एक्स नॉर प्रोड्यूसेस वन आउटपुट। अब एक्स नॉर जो है आपका वो वन आउटपुट कब प्रोड्यूस करता है, व्हेन द इनपुट कॉम्बिनेशन हैज इवन नंबर ऑफ वंस, राइट। तो वहाँ पे देखो, आपका जो आपने एक्सोर गेट किया था उसमें वन कब आया था, जब इनपुट में क्या होता था, ऑड नंबर ऑफ वन होते थे, वन हो गया, थ्री हो गया, फाइव हो गया, तब वो वन आउटपुट आपको देता था, राइट। अब एक्स नॉर के गेट में क्या है, उल्टा है, क्योंकि इन्वर्टेड एक्सोर गेट है ना। तो यहाँ पे वन कब आएगा, जब आपके इनपुट में इवन नंबर ऑफ वन होंगे, जैसे टू हो गया आपका, फोर हो गया, ओके, देन सिक्स हो गया, इवन नंबर ऑफ वन होंगे तो आपका आउटपुट क्या होगा, वन होगा। और वी कैन से द आउटपुट इज जीरो इफ द इनपुट्स आर डिफरेंट, ठीक है। अगर इनपुट डिफरेंट है तो आपका आउटपुट जीरो होगा, बट वन इफ द इनपुट्स आर सेम। वन क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे देखो द इनपुट्स आर सेम, अगर इनपुट सेम है, ओके, तो यहाँ पे वन आएगा। आपकी दो कंडीशंस दी है, एक तो इनपुट सेम हो, ठीक है, इनपुट सेम अगर नहीं है तो आपका ऑड नंबर ऑफ, सॉरी, इवन नंबर ऑफ वन होने चाहिए, ओके। तो यहाँ पे आपका इनपुट सेम है तो वन आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, जीरो वन, तो जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ वन है, इवन नंबर ऑफ वन नहीं है, ठीक है। अगेन वन जीरो, आपका जीरो आ गया, राइट। अब यहाँ पे देखो आपका इवन नंबर ऑफ वन है, तो आपका जो रिजल्ट है वो वन आया है, समझ में आया। ये एक्सोर का बिल्कुल उल्टा है। फाइन, एक्सोर में आपका वन कब आता था, जब आपके ऑड नंबर ऑफ वंस होते थे, फाइन। यहाँ पे वन कब आता है, जब आपके इनपुट में इवन नंबर ऑफ वंस होते हैं, फाइन। अब इसकी कंडीशन क्या है, इनपुट जीरो कब आएगा, जब आपके क्या होंगे, इनपुट्स डिफरेंट होंगे, जैसे जीरो वन वन जीरो, फाइन, ओके। पर उसके केस में क्या होता था, अगर आपके इनपुट्स डिफरेंट होते थे तो आपका क्या आता था, वन आता था। अब यहाँ पे हम थ्री इनपुट एक्स नॉर गेट को देखते हैं। ये आपका सिंबल हो गया, जिसके अंदर थ्री इनपुट्स दिए गए हैं, ए बी एंड सी, एंड ये आपका आउटपुट निकल के आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है 0 0 0, इसका आउटपुट वन क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनपुट सेम है। जब इनपुट सेम है तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, वन आएगा, ओके। जहाँ पे इनपुट डिफरेंट है वहाँ पे रिजल्ट आपका क्या आएगा, जीरो आएगा। जहाँ पे इनपुट डिफरेंट है रिजल्ट जीरो आएगा। अब देखो यहाँ पे वन क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर ऑफ वन है, ठीक है। जो एक्सोर होता है उसके केस में ऑड नंबर ऑफ वन होना चाहिए, एक्स नॉर के केस में इवन नंबर ऑफ वन होना चाहिए, तो आपके पास वन आ गया। अब यहाँ पे देखो इनपुट आपके डिफरेंट है और यहाँ पे ऑड नंबर है, इसलिए जीरो आ गया। अब अगेन हमारे पास टू वन है, तो ये इवन नंबर हो गया तो आपका वन आ गया। अगेन आपके पास टू वन है, ये इवन नंबर हो गया तो ये आपके पास वन आ गया, राइट। अब देखो यहाँ पे जीरो क्यों आया है, क्योंकि ये जो वन है वो क्या है, इवन नंबर ऑफ वन नहीं है, इनपुट तो सेम है बट इवन नंबर ऑफ वन नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ऑड नंबर ऑफ वन, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, जीरो आ गया, ओके। तो ये आपकी क्या होगी, थ्री इनपुट एक्स नॉर गेट की ट्रुथ टेबल, फाइन, ओके। एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।